Hello guys, how are you? Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel, Modern Trading. Guys, you know, कल की वीडियो में हमने फ्लैट टॉप एंड बॉटम इंडिकेटर के बारे में जाना था. ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से हम इनको मार्केट चार्ट्स पर अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से हम इनको अप्लाई करके इनके पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हमने कवर किया था. ओके, फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OTC के मार्केट पर, OTC की करेंसीज पर हम किस तरह से विदाउट किसी इंडिकेटर, विदाउट किसी स्ट्रेटजी को अप्लाई किए हुए हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड कर तो सकते हैं लेकिन प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों को आज हम कवर अप करके दिखाने वाले हैं. ओके, आज मैं आप सभी को लाइव ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ OTC के मार्केट पर, बिना किसी इंडिकेटर, बिना किसी स्ट्रेटजी को अप्लाई किए हुए, फॉलो किए हुए. ओके, सो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज के बाद आप सीखने वाले हैं कि OTC के मार्केट पर ट्रेड किस तरह से करनी चाहिए, कैसे हम ट्रेड करते हैं और क्या क्या गलतियां करते हैं, सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं. तो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ओके, मार्केट चार्ट पर खासकर सैटरडे संडे जो OTC करेंसी की ओपन रहती है और नाइट में 10 बजे के बाद जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो जो OTC की करेंसीज ओपन रहती हैं तो उन पर आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं. तो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखेगा. वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल द मॉडर्न ट्रेडिंग को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मॉडर्न ट्रेडिंग को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आप सभी को डेली कुछ ना कुछ फ्री शो शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. ओके, एंड अगर आप सभी ने अभी तक क्यूटेक्स पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए एंड वहाँ से आप हमारे सेशन को फॉलो करके ट्रेड कीजिए. ओके, वहाँ से आप हमारे द रिलायबल VIP ग्रुप में भी एंट्री ले सकते हैं $50 डिपॉजिट करके एंड वहाँ से आप मोर ट्रेड जो प्रोवाइड की जाती हैं VIP ग्रुप में उनको फॉलो करके और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. लॉस हुआ पड़ा है तो लॉस भी कवर अप कर सकते हैं. एंड गाइस, अगर आप सभी को 50% बोनस कोड चाहिए तो आप मॉडर्न 50 MODERN 50 को यूज़ करके आप 50% का बोनस कोड भी ले सकते हैं. ओके, सो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. ओके, सो फिलहाल आज ये OTC की करेंसी हम ट्रेड करके देखते हैं, आइए जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ. आज मैं आप सभी को OTC मार्केट के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ गाइस. ओके, आज के बाद आप सभी OTC मार्केट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने लगेंगे ये वीडियो देखने के बाद. ओके, सो फर्स्टली मैं आप सभी को बता दूँ गाइस, आज संडे है और संडे यू नो OTC का मार्केट ओपन है और OTC के मार्केट पर ही मैं आप सभी के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ. सो सारी की सारी करेंसीज यहाँ पर OTC की मार्केट ओपन है. ओके, सो फर्स्टली व्हाट इज़ द OTC मार्केट, OTC मार्केट इज़ द ओवर द काउंटर. ओके, एंड ओवर द काउंटर मार्केट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट इन विच मार्केट पार्टिसिपेट ट्रेड स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज और अदर इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्टली बिटवीन टू पार्ट्स एंड विदाउट अ सेंट्रल एक्सचेंज और ब्रोकर. ओके, OTC के मार्केट पास सभी ने अगर देखा हो कि कभी भी कोई स्ट्रेटजी, कोई भी फंडामेंटल, कोई भी एनालिसिस, कोई भी इंडिकेटर वर्क क्यों नहीं करता गाइस, ये आउट ऑफ रूल्स क्यों बोला जाता है, OTC के मार्केट पर हमारी एनालिसिस फेल क्यों हो जाती है, वहाँ पर अक्सर लोग अपना बड़ा बड़ा अमाउंट लॉस क्यों कर देते हैं, OTC मार्केट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट और वोलेटाइल क्यों होता है. सो OTC की मार्केट पर आपने देखा होगा कभी कभी ट्रेड बहुत ज़्यादा डीप विन जाती है लेकिन लास्ट के कुछ सेकेंड्स में हमारी डीप लॉस चली जाती है ना. कभी कभी ट्रेड बहुत ज़्यादा महामेला मतलब श्योर हो जाते हैं लास्ट के 10 सेकंड्स तक कि हमारी ट्रेड अच्छी खासी विन जा रही है लेकिन लास्ट के सेकंड कभी एकदम से धड़ाम से मार्केट कैंडल मतलब नीचे गिर गया, कभी एकदम से मार्केट ऊपर भाग गया, सो ओडिया OTC के मार्केट पर होता है. ओके, जो नॉर्मल मार्केट पर हमारा एनालिसिस, हमारे फंडामेंटल्स, ओके, हमारी नॉलेज, हमारे स्ट्रेटजी, हमारे इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, OTC के मार्केट पर वर्क नहीं करते. ओके, सो OTC का मार्केट जो होता है बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है. सो OTC के मार्केट पर गाइज कभी भी ट्रेड करते समय हमें जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको कभी कभी हमें उल्टा अप्लाई करना पड़ता है ना. कभी कभी क्या होता है कि हम जो कभी कभी मैं दोनों तरह की बात कर रही हूँ. मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो
अप्लाई होते हैं, है ना, जो हमारी कैंडल्स बन रही है, मान लिया ठीक है हमारे रेड हैमर बन रहा है, मतलब मार्केट डाउनवर्ड जाना चाहिए, ओटीसी का मार्केट हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन जब देखा है कि मार्केट हमारा डिफरेंट चलने लगा है, ओके आउट ऑफ रूल्स चलने लगा है, तो वहाँ पर हमें ट्रेड जो है आउट ऑफ रूल्स मतलब अपोजिट प्रेस करनी पड़ती है, वहाँ पर हमें अपोजिट रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है ओटीसी के चार्ट्स पर। ओके सो मैं ओटीसी के चार्ट पर गाइस ऐसे ही ट्रेड करती हूँ कि जो हमने रूल्स रेगुलेशंस में नॉर्मल चार्ट्स पर अप्लाई करती हूँ, जो मैंने सीरीज 7 पार्ट्स की आप सभी को रूल्स रेगुलेशंस की दिखाई हुई है, सिखाया है, रूल्स रेगुलेशंस कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में सिखाया है, बताया है, तो उन रूल्स को हम ओटीसी के मार्केट पर उल्टा अप्लाई करते हैं तो गाइस हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। ओके सो ये ओटीसी की कुछ चीज़ें आप सभी को गाइस ध्यान रखनी चाहिए। फिलहाल तो मैं आप सभी को मैं लाइव क्यूरेक्स के अकाउंट पर लेकर चलती हूँ। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपने टैब की स्क्रीन पर क्यूटैक्स के लाइव अकाउंट में, जिसमें आप सभी को अबव 11,600 डॉलर का लाइव बैलेंस शो हो रहा होगा। एंड गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ओटीसी के मार्केट पर विदाउट किसी स्ट्रेटजी, विदाउट किसी इंडिकेटर की हेल्प से मैं ओटीसी के मार्केट पर आप सभी को ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ। मॉडर्न ट्रेडिंग की एक्यूरेसी आप सभी को टेस्ट करके दिखाने वाली हूँ। ओके सो जो हमने 7 पार्ट्स की सीरीज़ निकाली हुई है, जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में मैंने आप सभी को सिखाया हुआ है गाइस, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सभी को बताए हुए हैं, उन्हीं के बेसिस पर मैं आप सभी को यहाँ ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ। ओके आप सभी को टाइम इन्फॉर्म कर दूँ तो गाइस अभी लगभग नाइट का 11 बजने वाला है, नहीं अभी कह सकते 10:55 हुआ है। ओके अभी रात के 11 बजने में 5 मिनट कम है गाइज। ओके सो हम ट्रेड करेंगे, ओटीसी का मार्केट है। ओके तीन करेंसी मैंने यहाँ पर ले रखी है, यूएसडी ओटीसी, AUD CHF ओटीसी, URGBP ओटीसी। ओके तो सारे चार्ट्स यहाँ पर ओटीसी के ओपन है, 92 प्रॉफिट ट्रेड यहाँ पर दे रखा है। ओके सो हम यहाँ पर ट्रेड करके देखने वाले हैं गाइज। ओके तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आप सभी को लगने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके सो फर्स्टली इस वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके गाइज सो हम यहाँ पर अपना अमाउंट फिक्सअप कर लेते हैं, तो हम अपना अमाउंट यहाँ पर फिक्स करेंगे $500। ओके देन हम अगर करेंसी की बात करें तो गाइज यहाँ पर हम दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। USD की करेंसी पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी UR और URGBP USD दोनों एक ही से मार्केट अभी चल रहे हैं गाइस, है ना। सो हम इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके अब देख ही रहे हैं, सो हम फिलहाल AUD CHF चार्ट लेते हैं। ओके देन यहाँ पर हम मैं आप सभी को ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ। ओके देन अभी यहाँ पर 15 सेकेंड्स अब 14 सेकेंड्स हैं हमें ट्रेड पास करने के लिए, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके देन यहाँ पर अभी हमें कुछ 3, 2, 1 देन हमें रेड कलर का, यहाँ पर ग्रीन कलर का हैमर पर हमें दिखाई हुआ दे दिया है। देन हमने 2 ट्रेड यहाँ पॉट की ओर डाली हैं। ओके ग्रीन कलर की हमें कैंडल बनती हुई जो शो हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर $500 की मैंने 2 ट्रेड अपॉर्ट की ओर प्रेस कर दी हैं। ओटीसी का मार्केट है तो गाइज यू नो ओटीसी का मार्केट फ्लक्चुएट और वोलेटाइल तो होता ही है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है आप जानते ही हैं। ओटीसी के मार्केट पर कोई स्ट्रेटजी, कोई फंडामेंटल, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्क नहीं करते आप जानते हैं। सो फिलहाल तो मैंने रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर ट्रेड प्रेस कर दी है और कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं की हुई है। ओके जो कैंडल्स की नॉलेज है उसी के बेसिस पर यहाँ पर मैं आप सभी को ट्रेड प्रेस करके दिखाऊंगी ओटीसी के मार्केट पर। ओके सो 15 सेकेंड्स है गाइस। ओके देन 8 सेकेंड्स है ओटीसी का मार्केट, आप देख ही रहे कभी क्लोज विन जाता है, कभी क्लोज लॉस जाता है। ओके फिलहाल ये ट्रेड हमें लॉस हो चुकी है, देन मैंने यहाँ पर लॉस रिकवरी के लिए 4 ट्रेड डाउनवर्ड की ओर मैंने प्रेस कर दी है। ओके देन वेट करेंगे, ओके अबव हमारे पास अभी 15 सेकेंड्स हैं, वेट करेंगे। ओके 15 सेकेंड्स है गाइज, देन अगेन वोलेटाइल मार्केट गाइज, देख रहे हैं कि किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड हमारी विन हो जानी चाहिए, हो गई। सो गाइज एक हमारी 3 ट्रेड यहाँ पर विन हुई हैं, 1 लॉस हुई है। ओके 4 ट्रेड मैंने जो प्रेस की थी उसमें से हमारी 1 लॉस है,
तीन विन है गाइज। ओके सो अगेन हम यहाँ पर करेंसी चेंज कर ले हैं, कर ले तो यू आर जी बी के चार्ट पर हम अभी 40 सेकेंड्स के बाद हम ट्रेड प्रेस करेंगे गाइज। ओके सो वेट करेंगे, हम अभी प्रॉफिट में है गाइज। ओके $500 की जो हमने ट्रेड प्रेस की थी उसके अकॉर्डिंग हमें जो $960 रिटर्न मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अभी $460 प्रॉफिट में है। ओके यहाँ पर 20 सेकेंड्स के बाद मैं यहाँ पर ट्रेड अपनी प्रेस करने वाली हूँ। ओके 2-1 देन यहाँ पर मैंने दो ट्रेड अपॉर्ट की ओर प्रेस की है। ओके गाइज अपॉर्ट की ओर मैंने प्रेस की हुई है, देखते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। OTC का मार्केट है, एक सेकेंड के बाद हमें अपने ट्रेड का रिजल्ट पता चल जाएगा गाइज। तो फिलहाल तो ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। ओके तो हम अभी भी जो है 460 = $3 हम प्रॉफिट में है गाइज। ओके सो OTC के मार्केट पर यू नो ट्रेड कर रही हूँ, सो आप सभी को मैं ट्रेड करके दिखा रही हूँ। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 460 × 3 देन 1680 हम $1,380 के अभी प्रॉफिट में हैं। ओके हमने प्रॉफिट किया है। सो गाइज हमने हालांकि OTC के मार्केट पर लगभग $1,500 प्रॉफिट कर लिया है, लेकिन इसके अलावा OTC के मार्केट पर मैं आप सभी को और ट्रेड करके दिखाती हूँ, है ना। सो मैं यहाँ पर करेंसी और ले लेती हूँ, AUD CHF, AUD JPY। यहाँ मार्केट कुछ अभी डाउनवर्ड के लिए जा रहा है, तो AUD JPY पर हमें थोड़ा सा अभी हम फोकस करेंगे। देन ये करेंसी भी अभी ठीक चल रही है, AUD USD पर ये भी अच्छी चल रही है, CAD CHF। तो गाइज फिलहाल हमें यहाँ पर अभी ये करेंसी ठीक लग रही है ट्रेड करने के लिए। देन AUD JPY भी ये ठीक चल रही है, परफेक्ट है अभी। ओके सो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देन 50 सेकेंड्स के बाद हम ट्रेड अपनी प्रेस करेंगे OTC के मार्केट पर। देन आप सभी को मैं बताऊँगी कि किस तरह से हम उल्टे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो अभी हम 40 सेकेंड्स वेट करेंगे, ठीक है। सो 40 सेकेंड्स के बाद हम यहाँ पर ट्रेड प्रेस करेंगे अपनी, $1,000 की मैं इन्वेस्ट करूँगी। ओके देन यहाँ पर अभी हम 28 सेकेंड्स वेट करेंगे। ओके देन अभी हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके देन अगेन रेड बन चुकी है OTC के मार्केट पर, आप देख ही रहे हैं गाइस कि मार्केट पर सेकेंड कैसे बदल रहा है ना, कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। सो ओवरव्यू मार्केट, देन यहाँ पर अभी रेड कैंडल बन रही है जो कि रेड कैंडल हमें इंडिकेट करती है डाउनवर्ड की ओर जाएगा। अभी फिलहाल हमें रेड ये इंडिकेट कर रही है कि अपवर्ड जाएगा, हम डाउनवर्ड लगाएंगे। ओके डाउनवर्ड की ओर हमने दो ट्रेड प्रेस की हैं। ओके चूँकि मैं आपको बताऊँ, मैं उन वीडियोस के जो मैंने 7 पार्ट्स की सीरीज़ निकाली हुई है उसमें आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि जब भी हमारी इस तरह की रेड कैंडल बनती है, ओके सीधा हथौड़ा रेड कलर का बनता है, मतलब वो अपने ट्रेंड को फॉलो करता है, मतलब वहाँ से कैंडल हमारा डाउनवर्ड जाएगा। ओके लेकिन गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ट्रेड इसीलिए डाउनवर्ड प्रेस की है कि हमने यहाँ पर OTC के मार्केट पर यहाँ रूल्स रेगुलेशंस उल्टे अप्लाई किए हुए हैं। ओके सो मैंने जैसे ही इसको उल्टा अप्लाई किया देन हमें यहाँ पर अपना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओके देन आप देख रहे हैं कि जो हमारा $2,000 मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है अभी प्रॉफिट में है। देन लेकिन अभी भी वही चीज़ है कि मार्केट फ्लक्चुएट और वोलाटाइल करता है OTC का मार्केट। सो अगेन वही क्लोज पॉइंट पर है, वेट करेंगे। ओके देन अगेन अप जा चुका है, अगेन डाउन आ चुका है। तो इसके पर सेकेंड जो चेंजेस दिखते हैं तो ये OTC के मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है गाइस, एंड आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 3840 का प्रॉफिट रेट बुक किया है। ओके देन यहाँ पर हम अगेन ट्रेड प्रेस करेंगे, लेकिन अगर हम चाहें तो करेंसी दूसरी भी चेक कर सकते हैं। ओके AUD CAD पर मार्केट हमें ऐसा देखने को मिल रहा है, CHF पर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, इस पर न्यू ट्रेड करेंगे, इसको हम इस करेंसी को हटा ही दे सकते हैं गाइज। ओके देन AUD CHF भी ठीक चल रही है, EUR USD की बात करें तो ये करेंसी भी ठीक चल रही है। तो फिलहाल हम यहाँ पर AUD JPY ट्रेड पर जो है ट्रेड कर सकते हैं, AUD CAD पर कर सकते हैं। ओके सो गाइज फाइनली हम यहाँ पर 8 सेकेंड्स के बाद आप ट्रेड प्रेस करेंगे। ओके देन हमें ग्रीन कैंडल हमें अभी देखो मैं यहाँ पर
तो ट्रेड अगेन डाउनवर्ड प्रेस करूँगी. ओके देन देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है गाइज इन दो ट्रेड्स का. ओके चूँकि मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी इंडिकेटर कोई भी स्ट्रेटजी फंडामेंटल कुछ रिप्लाई नहीं किया है. ओके एक प्योर मार्केट है. ओके आप देख सकते हैं उसी पर मैं ट्रेड कर रही हूँ ओटीसी के मार्केट पर. ओके क्योंकि ओटीसी के मार्केट पर इंडिकेटर वर्क ही नहीं करते तो उनको लगाने से गाइस कोई फ़ायदा नहीं है. आप यू नो समझ सकते हैं ये बात. ओके क्योंकि इंडिकेटर्स हम जो ओटीसी के मार्केट पर लगा के रखते हैं तो वो हमें और ज़्यादा डाइवर्ट करते हैं, है ना. सो 25 सेकंड्स का वेट करेंगे. ओके क्लोज पॉइंट पर अभी अपवर्ड के लिए चल रही है कैंडल, देन अगेन क्लोज पॉइंट पर आ चुकी है. ओके देन 18 सेकंड्स है हमारे पास. वेट करेंगे कि हमें इन ट्रेड्स का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है. ओके देन गाइज अगेन हमें यहाँ पर ट्रेड डाउनवर्ड की ओर विन की ओर हमें मिल रही है. देन ये रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है. अगेन हमने 3840 का प्रॉफिट रेट बुक किया है गाइज, है ना. ये आप देख सकते हैं. ओके सो ये हमने प्रॉफिट रेट बुक किया है. ओके देन हम दूसरी करेंसी पर ट्रेड करके देखते हैं. तो गाइज AUD JPY की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का चार्ट हमें देखने को मिल रहा है. AUD CUD पर हमें अपॉर्ट के लिए देखने को मिल रहा है. CAD CHF की बात करें तो ये है कुछ हमें ऐसा मार्केट देखने को मिल रहा है. ओके देन AUD JPY या फिर ये इस तरह के हम करेंसी ले सकते हैं ना. तो फिलहाल हम CAD CHF पर हम ट्रेड प्रेस करेंगे. डाउन ट्रेंड चल रहा है. ओके देन ये ट्रेड हमें चूँकि ग्रीन कैंडल बन रही है ना. और 15 सेकेंड से हमारे पास हम नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करेंगे इस पर. ओके दो ट्रेड डाउन की ओर हमने प्रेस की है. ओके देन हमने यहाँ पर डाउन किस लिए प्रेस किए हैं गाइस, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हमें ग्रीन कलर का इस तरह का कैंडल देखने को मिलता है ओके देन वहाँ पर हमारा मार्केट अप जाता है. लेकिन OTC के मार्केट पर मैंने उल्टा अप्लाई किया है. अब फिलहाल देखते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है. ओके सो 40 सेकंड्स का हमें वेट करना है. 40 सेकंड्स के बाद हमें इस ट्रेड का रिजल्ट हमें पता चल जाएगा गाइज. ओके देन क्लोज पॉइंट पर है. ओके देन अगेन डाउन है. अगेन क्लोज पॉइंट पर है. अगेन अपोर्ट जा चुकी है. बहुत ज़्यादा अपोर्ट गई है. एंड 20 सेकंड्स है गाइज. अभी भी हम कुछ भी नहीं कह सकते OTC के मार्केट पर कि हमें ट्रेड क्या देखने को मिल सकती है. ओके सो अगेन क्लोज पॉइंट पर आ चुकी है. अगेन डाउन आ गई है. ओके अगेन अप चली गई है गाइज, आप देख ही रहे हैं. एंड 10 सेकंड्स है हमारे पास. वेट करेंगे. देन मुझे लगता है कि ये ट्रेड हमारी लॉस जाएगी, तो हम इसको कवर अप करने के लिए यहाँ पर हम करेंसी चेंज करेंगे गाइज. ओके सो AUD JPY करेंसी ले सकते हैं या फिर AUD USD करेंसी ले सकते हैं. हम फिलहाल AUD JPY AUD CAD को भी चेक कर लेते हैं. AUD CAD करेंसी कुछ इस तरह का मार्केट दे रही है, तो हम JPY पर ट्रेड करेंगे. ओके गाइस सो 40 सेकंड्स के बाद हम ट्रेड प्रेस करेंगे. ओके दो ट्रेड जो हमारी अभी लॉस हो चुकी हैं उसको कवर अप करके हमें प्रॉफिट में जाना है गाइस. ओके सो लगभग मैं यहाँ पर $11,000 के साथ आई थी. अभी भी मेरे पास $14,000. ओके $2,000 लॉस करने के बाद हमारे पास $14 अभी भी हैं. ओके सो लास्ट की जो ट्रेड हमने 4 ट्रेड विन की थी उसमें से हम 2 लॉस कर चुके हैं. इसको कवर अप करने के लिए हम गाइज अगेन OTC के मार्केट पर ट्रेड करेंगे. ओके सो वेट करेंगे. अगेन 10 सेकेंड्स है हमारे पास नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करने के लिए. देन अगेन गाइज आप देख रहे हैं कि हमें रेड कलर का यहाँ पर हैंगिंग में देखने को मिल रहा है जो कि इंडिकेट कर डाउन में. आप केवल लगाऊंगी. ओके 4 ट्रेड प्रेस की है मैंने प्रॉफिट से जो है. देन अगेन यहाँ पर 50 सेकंड्स वेट करेंगे 2 ट्रेड्स कवर अप करने के लिए एंड 2 प्रॉफिट रेट में आने के लिए. मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड्स अप्लाई किए हैं. ओके देन OTC के मार्केट में आप सभी को मैं फुल रिस्क लेकर भी दिखाऊंगी. ओके देन यहाँ पर OTC का मार्केट है. आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से इसकी वोलेटिलिटी चल रही है, फ्रीक्वेंसी चल रही है. आप देख रहे हैं 30 सेकंड्स है अभी हमारे पास. ओके देन अगेन डाउन चल रही है कैंडल. अगेन अप आ गई है. ओके देन 25 सेकंड्स है हमारे पास. 20 सेकंड्स अबव अगेन अप है. अभी भी हमारे पास अबव 15 सेकंड्स का टाइम है. क्लोज पॉइंट पर चल रही है. अभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट पर है. देन अभी भी क्लोज पॉइंट पर है गाइज. आप देख रहे हैं अपॉर्ट के लिए अभी भी हमारी ट्रेड विन आ गई है. ओके देन हम यहाँ पर अपना 4
$6,000 इन्वेस्ट किया हमने, वो हम कंटिन्यू विन कर चुके हैं. ओके सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 17,000 हमने अपना बैलेंस क्रिएट किया है. ओके ओटीसी के मार्केट पर मैंने अबव यहाँ पर $6,000 प्रॉफिट बुक किया है. ओके सो गाइज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर ओटीसी के मार्केट पर ट्रेड कर सकते हैं. ओके सो मैं यहाँ पर लास्ट ट्रेड आप सभी को और मैं प्रेस करके दिखाऊंगी. ओके देन 28 सेकंड्स का वेट करेंगे. ओके देन यहाँ पर अभी हमें ये जो कैंडल बन रही है रेड कैंडल, ये हमें रूल्स के अकॉर्डिंग हमें अपॉर्ट की ओर प्रेस करना चाहिए, है ना. लेकिन देखते हैं, अब हमें जो कैंडल बन रही है वो इंडिकेट कर रही है कि हमें ऊपर की ओर ट्रेड प्रेस करनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर दो ट्रेड डाउनवर्ड की ओर प्रेस करेंगे. ओके अब देखते हैं गाइस इस ट्रेड का हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है. ओके 56 टाइम है हमारे पास अभी सेकंड्स का. देन जो कैंडल हमें इंडिकेट किया करती है कि ये इस कैंडल के बनने के बाद हमारी कैंडल अपॉर्ट की ओर बननी चाहिए. ओके लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डाउनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में मैंने ट्रेड प्रेस की है. अपोर्ट जाने के लिए बोल रहा था, मैंने डाउनवर्ड प्रेस की है ओटीसी के मार्केट पर. देन देखते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है. फिलहाल तो हम यहाँ पर अभी भी अबव $5,000 प्रॉफिट में हैं. क्लोज पॉइंट पर ट्रेड चल रही है. ओके 25 सेकंड्स हमारे पास अभी भी. देन क्लोज पॉइंट पर है. ओके देन 20 सेकंड्स है हमारे पास, क्लोज पॉइंट पर है अभी भी कैंडल हमारी. देन इसकी फ्रीक्वेंसी गाइज आप देख ही रहे हैं, क्लोज पॉइंट अभी डाउन आ चुकी है, अगेन अप चली गई है. ओके देन अगेन अप गई है. यहाँ पर मैंने चार ट्रेड डाउनवर्ड प्रेस की है. ओके चूँकि ये कैंडल में इंडिकेट करती है पॉट की ओर जाने के लिए. कभी कभी रूल्स में सही रूल्स भी अप्लाई होने लगते हैं, ऐसा नहीं है गाइज, हमें हमेशा ही अपोजिट रूल्स अप्लाई नहीं होते ओटीसी पर. कभी कभी मार्केट सही चलता है, ये हमें पहचानना होगा खुद से कि ये मार्केट अभी रूल्स के साथ चल रहा है या आउट ऑफ रूल्स चल रहा है. ओके सो अभी हमने जो यहाँ पर फंडा अप्लाई किया था कि ये ग्रीन कैंडल हमें इंडिकेट करती है पॉट की ओर, उसके अपोजिट मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड की ओर मैंने ट्रेड प्रेस की. देन यहाँ पर हमारी ट्रेड अभी विन में चल रही है. 26 टाइम है हमारे पास अभी, 25 सेकंड्स, 24 सेकंड्स, 23. देन डाउन की ओर हमारी अच्छी खासी ट्रेड अभी विन की ओर आ रही है. ओके देन अगेन अच्छी खासी डाउनवर्ड कैंडल चल रही है. ओके देन 10 सेकंड्स के बाद हमारी ट्रेड का रिजल्ट पता चल जाएगा गाइज. 5, 4, 3, 2, 1. देन गाइज ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है. $4,000 हम अगेन विन कर चुके हैं. सो गाइज हम फाइनली यहाँ पर 11,000 बैलेंस के साथ आए थे. ओके 11,000 $11,000 का बैलेंस मेरे पास था. मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है $19,474. ओके मतलब 11,000 से मैंने सीधे यहाँ पर $8,000 आप सभी के सामने मैंने क्रिएट किया है बैलेंस. ओके सो $8,000 यू नो कितना होता है. सो यू नो ये ओटीसी की स्ट्रेटजी, ये सारे रूल्स ये आप सभी को मॉडर्न ट्रेडिंग की तरफ से वर्कफुल होंगे, हेल्पफुल होंगे. ओके सो आप सभी को ये आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी गाइज. ओके तो गाइज होप्स आप सभी को ओटीसी के मार्केट पर ट्रेड कैसे करनी चाहिए, किन किन गलतियों को हम करते हैं, किन को नहीं करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से ओटीसी के मार्केट पर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और किस तरह से हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं, और अगर हमारा लॉस होने जा रहा है तो किस तरह से हम लॉस से बच सकते हैं, और लॉस अगर हो गया है तो किस तरह से हम कवर अप कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हमने जाना सीखा. होप्स आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. ओके एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, मज़ा आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ये जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंचे तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक. ओके सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए. ओके जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके. एंड गाइज अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वैल्यूएबल कमेंट हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छा वर्क करने के लिए. ओके सो फिलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ. तब तक टेक केयर. Bye-bye. Thanks for watching this video.